मेरे खिलाफ ट्विटर व्यूटर पे क्या कर लिया, कह रहे कोल्ड प्ले वालों को रिपोर्ट करो कोल्ड प्ले के ऑफिशियल हैंडल को कि वो बंदा आपके टिकट ब्लैक में बेच रहा है, वो कह रहा है कि सीट ब्लॉक कर रहा है लोगों की। अबे पहली बात तो मैं स्टोरी में टैग कर दे रहा हूँ, टिकट रघु भाई के लिए थी, हो गई बुक, ठीक है, मैं बहुत लोगों से लकी निकला तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा, मैं खुद रघु को यही सुबह मैसेज किया था, मैं कहा मैं लोगों की ना चलाऊंगा थोड़ी, ऐसे कह दूंगा कि ना किसी को दूंगा और टिकट बुक कर ली और जाऊंगा भी नहीं। मैं भाई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाँ ये सीट ब्लॉक कर रहा है ये, अबे 1,00,000 के स्टेडियम में अगर मैं 4 लोगों की सीट बुक करके ना भी जाऊं तो तुम्हारा क्या जा रहा। पहली बात तो कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करके नहीं जाएगा। चलो मैं तो इंटेंशनली डाली वो स्टोरी मोदी करने को, तो मुझे कोई आके गाली भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो किसी ने जो मुझे फॉलो करा है मुझे नहीं लिखी, मैं ऐसे ही कह दूं ना कर रहे थे सभी। भाई करण सहगल की बहन ने 8 टिकटें बुक की थी, उसने इतनी बढ़िया होलसम सी एक रील बनाई कि भाई मुझे राखी गिफ्ट मिल गया, सिस्टर हो तो ऐसी हो ये वो। उसके कमेंट्स पढ़ो जाके उसकी लेटेस्ट रील के कि किस तरह हेट डाल दे कि तुमने 8 टिकट क्यों बुक कर दी, तुम कोल्ड प्ले फैंस नहीं हो। भाई सर्टिफिकेट दो, पहले तो इनके फैंस है तो सर्टिफिकेट लो आगे कि मेरा सर्टिफिकेट कहां है कोल्ड प्ले फैन होने। अबे 8 उन्होंने ले ली, उनपे पैसे हैं, वो इतने लकी हुए कि उन्हें मिल गई 8 टिकटें, वो 8 लोग जाएंगे अपने घर से, मतलब उन्हें क्यों, उन्हें गाली देने की क्या जरूरत है भाई, ये क्या माइंड सेट है ये। और मैं तो चलो लड़का हूँ भाई, वो तो अपनी बहन के लिए स्टोरी डाल लो, उसको गाली बकरे जाके।